वेलकम स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सेल्स ऑफ एसेट्स स्टेप लॉस। बीटा एंड कंपनी परचेज ए प्लांट फॉर 50,000 ऑन 1st जनवरी 2016। एडिशन वाज मेड ऑन 1st जुलाई 2016 विद प्लांट कॉस्टिंग 27,000 एंड इरेक्शन चार्ज 33,000। ऑन 1st अप्रैल 2018 प्लांट बोर्ड ऑन 1st जनवरी 2016 बिकेम ऑब्सोल्यूट एंड वाज सोल्ड फॉर ₹27,000। इट बोर्ड अनदर प्लांट ऑन द सेम डेट फॉर ₹20,000। ऑन 1st अक्टूबर 2019 प्लांट बोर्ड ऑन 1st जुलाई 2016 वाज सोल्ड फॉर ₹15,000। इट वाज डिसाइड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अकाउंट्स आर क्लोज 31st दिसंबर। तो देखिए प्लांट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखिए 2016 जनवरी 1st टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपए का परचेज किया है आपने। इसके बाद जुलाई 1st को आपने परचेज किया है टू बैंक अकाउंट 27,000 रुपए, टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस 3,000 रुपए। ये जुलाई 1st को किया है। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। तो देखिए 2016 दिसंबर 31st, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है जनवरी से दिसंबर लेना है आपने। तो देखिए यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब देखिए जो पहली वाला प्लांट है 50,000 रुपए का, तो 50,000 का 10% लेना है आपने, 5,000 रुपए हो गया। तो यहां 5,000 रुपए लिखेंगे आप। जो दूसरे वाला प्लांट है वो 30,000 रुपए का है, 30,000 का 10% 3,000 रुपए हो गया। लेकिन 6 महीने का लेना है आपने, क्योंकि जुलाई से दिसंबर 6 महीने बनेंगे, तो 1500, 6,500 आपका डेप्रिसिएशन आ गया बाई बैलेंस सीडी। पहले प्लांट में से 50,000 में से 5,000 माइनस करना है और दूसरे वाले में 30,000 में से 1500 माइनस करना है, 28,500, 73,500 रुपये बचे आपका, ये हो गया 80,000 रुपये। जनवरी 1st टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, पहले वाला प्लांट 45,000 रुपए का बचा हुआ है और दूसरे वाला प्लांट 28,500 का बचा हुआ है, 73,500। आगे तो 2017 में कोई परचेज सेल्स नहीं है, तो 2017 दिसंबर 31st बाई डेप्रिसिएशन पहले वाले पे 5,000, दूसरे वाले पे 3,000, 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन हो गई। बाई बैलेंस सीडी पहले वाला बचेगा 40,000, 45,000 में से 5,000 घटाना है और 28,500 में से 3,000 घटाना है, 25,500, 65,500, 1,45,500, 73,500, 73,500। अब देखिए 2018 जनवरी 1st टू बैलेंस बीडी, पहले वाला 40,000 का बचा हुआ है और दूसरे वाला 25,500 का बचा हुआ है, 65,500। अब देखो क्या कहा है इसमें, 1 अप्रैल 2018 को
को यहां लेंगे 2018 अप्रैल फर्स्ट। जो आपने ये 50,000 का प्लांट खरीदा था इसको सेल्स किया है तो देखिए बाय डेप्रिसिएशन, जो 5,000 डेप्रिसिएशन है पूरे साल की है तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन निकालनी है, 1250 रुपए का डेप्रिसिएशन होगी। बाय बैंक अकाउंट सेल्स, कितने में सेल्स किया है, ये सेल्स किया है आपने 27,000 रुपए में। अब देखो 40,000 में से इन दोनों को घटाना है आपने तो 11,750 रुपए ये आपका बच गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लॉस बच गया। ठीक है, अब क्या कहा है इन्होंने, अब कहा है आगे इट बोर्ड अनोदर प्लांट ऑन द सेम डेट, इसी डेट को अप्रैल फर्स्ट को टू बैंक अकाउंट परचेज किया है आपने 20,000 रुपए ऑन 1 अक्टूबर 2019। अब आगे चलेंगे, अब देखिए यहां लिखेंगे दो ये December 31st बाई डेप्रिसिएशन, दूसरे वाले पे 3,000 है डेप्रिसिएशन। अब तीसरा जो प्लांट है 20,000 का, 20,000 का 10% कितना हो गया 2,000 रुपए, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1500 रुपए क्योंकि अप्रैल से मार्च दिसंबर तक 9 महीने बनेंगे तो 1500 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया 4500 रुपए। बाई बैलेंस सीडी, दूसरे में से दूसरा घटाना है तो 22,500 बच गया और तीसरे में से तीसरा घटाना है 18,500, 41,000 रुपए वैल्यू बच गई आपकी, इसलिए टोटल कर देंगे 85,500। इसके बाद 2019 जनवरी फर्स्ट टू बैलेंस बीडी, दूसरे वाला बचा हुआ है 22,500 का, तीसरे वाला बचा हुआ है 18,541,000। अब देखो क्या कहा है, अक्टूबर फर्स्ट 2019 अक्टूबर फर्स्ट को बाई डेप्रिसिएशन, अब देखो दूसरे वाले पे 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन है 9 महीने का लगाएंगे 2250 रुपए। बाई बैंक अकाउंट सेल्स, अब ये सेल्स कितने में किया है, ये सेल्स किया है 15,000 रुपए में। अब देखिए 22,500 में से 17,250 घटाएंगे तो आपका 5,250 रुपए बच गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लॉस बच गया, ये लॉस आ गया। इसके बाद December 31st बाई डेप्रिसिएशन, तीसरा वाला जो प्लांट है 2,000 रुपए डेप्रिसिएशन लिखेंगे और बाई बैलेंस सीडी 16,500 बैलेंस बच जाएगा और टोटल आ जाएगा 41,000। क्वेश्चन नंबर 5, ए फर्म बॉट ए मशीन ऑन 1st जुलाई 2017। देखिए 2017 जुलाई फर्स्ट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज की आपने मशीन परचेज की है। इसके बाद 2018 में परचेज की है और जो आपके अकाउंट्स क्लोज होते हैं वो 31st मार्च को क्लोज होते हैं तो देखिए 2018 मार्च 31st बाई डेप्रिसिएशन। अब देखो 1,00,000 रुपए का 20% 20,000 हो गया, 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने बन गए 15,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बाई बैलेंस सीडी 85,000 1 लाख। ठीक है, इसके बाद 2018 अप्रैल फर्स्ट टू बैलेंस बीडी 85,000। अब क्या कहा इन्होंने,
एक अक्टूबर 2018 को अक्टूबर फर्स्ट टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपए की मशीन और परचेज कर ली आपने, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 2019 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन। अब देखो पहले वाले में तो पूरा 20,000 रुपए लगेगा क्योंकि यहां तो पूरा साल है अप्रैल से मार्च, और जो दूसरे वाला है दूसरे वाले के 6 महीने का लगेगा 40,000 का 20% हो गया 8,000, 6/12 4,000 रुपए डेप्रिसिएशन हो गई तो 24,000 रुपए। बाई बैलेंस सीडी पहले में से पहला माइनस करो 65,000 रुपए बच गया, दूसरे में से दूसरा माइनस करो 36,000 बच गया, 1,01,000 टोटल करेंगे 1,25,000 1,25,000। इसके बाद 2019 अप्रैल फर्स्ट टू बैलेंस बीडी, पहले वाला 65,000 का बचा हुआ है और दूसरे वाला 36,000 का बचा हुआ है 1,01,000। अब देखो क्या कहा है, ऑन 30th जून 2019 इट वाज सोल्ड द मशीन बोट इन 2017 फॉर 60,000 बट रुपीज 2,000 पेड कमीशन टू एजेंट हु बोट दिस आइडियल डन डील डन एंड बोट अनोदर मशीन ऑन द सेम डेट फॉर रुपीज 60,000। अब देखिए 30 जून को 2019 जून 30 को बाई डेप्रिसिएशन, अब जो पहले वाली मशीन है उस पे 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन है 20% 20,000 डेप्रिसिएशन है, 3 महीने का लगाएंगे अप्रैल मई जून तो 5,000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन हो गया। बाई बैंक अकाउंट अब देखिए वो मशीन बेची है 60,000 रुपए, 2,000 रुपए आपने कमीशन दे दिया ब्रोकर को तो 58,000 रुपए लिखेंगे यार, क्योंकि हमें तो 58,000 रुपए मिले 2,000 कमीशन देने के बाद। अब मशीन है 65,000 रुपए की और 5 और 58 63 तो 2,000 रुपए ही आ गया भाई प्रॉफिट एंड लॉस, 2,000 रुपए लॉस लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद इसी डेट को जून 30 को आपने एक मशीन और परचेज कर ली है 60,000 रुपए में टू बैंक अकाउंट 60,000, ठीक है। इसके बाद 2020 मार्च 31 को बाई डेप्रिसिएशन दूसरे वाली मशीन पे 4,000 रुपए डेप्रिसिएशन, ये 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाएंगे दूसरे वाली मशीन, यहां तो 6 महीने का था पूरा 8,000 रुपए लगेगा, और तीसरे वाली मशीन पे 60,000 का 20% 12,000 बना, जून से मार्च 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 9,000, 17,000 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया। बाई बैलेंस सीडी दूसरे वाली मशीन तीसरे वाली, अब 36,000 में से 8,000 घटाने हैं 28,000 बचा हुआ है, और 60,000 में से 9,000 घटाना है 51,000 79,000 आपकी मशीन बची हुई है, और ये हम टोटल कर देंगे 1,61,000 1,61,000।